इसमें माननीय श्री शरद यादव जी के नेतृत्व में, चाहे वो लोकतंत्र बचाओ चाहे आप शासन विरासत बचाओ कार्यक्रम के नाम पर देश भर में जन जागरण करके, और ये जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, जिस तरह किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है तानाशाही सरकार को, हम लोगों को देश में सभी विपक्षी पार्टियां आदरणीय श्री शरद यादव जी के प्रयासों से इकट्ठे होकर मुकाबला कर सकती है। अभी कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटक में बहुमत गठबंधन का था लेकिन वहाँ सरकार भाजपा की है। इसी तरह जहाँ भाजपा की दो दो चार चार विधायक हैं, दूसरे दलों के अधिक विधायक हैं, उसके बाद भी वो सरकारें बना रहे हैं। ये दोष देश के लोकतंत्र के लिए एक तरह से अघोषित आपातकाल है। मैं सभी उपस्थित साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आज पार्टी बन रही है लोकतांत्रिक जनता दल, इसको देश के कोने कोने तक ले जाकर संगठन को मजबूत करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को ताकत प्रदान करने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में जनता दल यूनाइटेड से लगभग सभी साथियों ने नाता तोड़कर लोकतांत्रिक जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहां जनता दल यू पार्टी में अब कोई भी संदेह और लोकतांत्रिक जनता दल में सभी लोग हमारे साथ हैं, और राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देने का काम करेगी। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात समाप्त करते हुए सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी का सदस्यता अभियान चलाए, पार्टी से हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करें।